हाय फ्रेंड, फिर से आपका एक बार वाईफाई वर्ल्ड में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग माई जियो से कैसे अपना रिचार्ज करते हैं, कैसे नाम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, माई जियो का फुल डेमो कैसे होता है, कैसे उसको ऑपरेट किया जाता है, उसको देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हों तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले माई जियो प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर से माई जियो ऐप को सर्च करना है, वहाँ से डाउनलोड करना है माई जियो ऐप को। यहाँ पे मैंने माई जियो ऐप टाइप कर दिया, ये मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैंने ओपन कर लिया माई जियो। ये मेरा ओपन हो गया। ये डिटेल इसमें फैच चेक करने में थोड़ा टाइम लगता है, अगर आपका नहीं होता तो एक बार इसको स्लाइड करके हटा करके फिर से इसको दोबारा ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग रिचार्ज करेंगे। यहाँ पर रिचार्ज का ऑप्शन दिया हुआ है, प्रीपेड या पोस्टपेड। अगर पोस्टपेड रहेगा यहाँ पर आपको बिल शो होगा। सबसे पहले यहाँ पर रिचार्ज कर लेंगे। ये आपको सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, जो आप मैंने प्लान लिया हुआ है इसमें क्या क्या मिले हुए हैं। माई सब्सक्रिप्शन में अगर आपका सेटअप बॉक्स प्लान होगा तो यहाँ पर शो होगा। उसके बाद फिर हम लोग माई डिवाइस में जाके, ये जो नया अपडेट आया है इसमें हम कैसे अपने कितने डिवाइस कनेक्टेड हैं और कैसे डिवाइस का नाम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए वाईफाई एसएसआईडी सेटिंग में, यहाँ पे जियो 4G है। यहाँ से जाके हम नेम, आईडी, पासवर्ड और WPS ऑन ऑफ कर सकते हैं, और एसएसआईडी को आप भी कर सकते हैं। ऐसे सेम 5 GHz का है। अच्छा, ये 5G का है, 5G का सेम है। यहाँ से आप एडिट नेम, एडिट पासवर्ड, ये एसएसआईडी ऑन ऑफ करने का। ये देखिए यहाँ पे जो 38 पेयर डिवाइस है, यानी इससे 38 डिवाइसेस कनेक्टेड थी। ये देखिए ब्लॉक का, इसमें ब्लॉक करने का ऑप्शन है जिसको आप ब्लॉक कर सकते हैं, सिलेक्ट ब्लॉक ऑप्शन। बट अगर आपको चेक करना है कि कितने डिवाइस कनेक्ट करने हैं, मेरे डिवाइस में कनेक्ट है कितने, तो यहाँ से पेयर डिवाइस में जाना है, ऑनलाइन पे कितने समय प्रेजेंट टाइम पे कनेक्टेड हैं और कितने इसमें कनेक्टेड थे और कितने ब्लॉक्ड हैं, यहाँ से सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। और यहाँ से आप ब्लॉक कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं किसी को। ये इतने डिवाइसेस से पेयर्ड है। ब्लॉक करने से अच्छा है आप वाईफाई का नाम और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये देखिए जियो चैट में जाके हम लोग कंप्लेन का, यहाँ से माई जियो के थ्रू ही कंप्लेंट अपना दर्ज कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है। और दूसरा इसमें ये देखिए यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है वाउचर। स्टार्टिंग में पहले ही रेफरल प्लान हुआ करता था, तो इस जिसको आपने किसी अपने के फ्रेंड या किसी कलीग को रेफ़र किया होगा, तो यहाँ पे OTT ऐप्स के रेफरल या आपके प्लान का रेफरल मिला होगा, यहाँ से आप रिडीम कर सकते हैं। जैसे इसमें 4 क्वांटिटी दिखा रहा है OTT ऐप्स के, तो इन्होंने अपने कलीग को रेफ़र किया था तो जिसमें 4 वाउचर मिले, बट ये अभी प्लान ख़त्म है फिलहाल। दोस्तों, यहाँ से प्रोफाइल सेटिंग में जाके हम अपना आईडी, अपना क्या नाम है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल आईडी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों हम लोग कितना इसको डिवाइस को परचेज करते वक्त कितना डिपॉजिट दिया है, यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको। यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, PDF के फॉर्म में ओपन हो जाएगी, किसके नाम से कनेक्शन है, कितना पे किया था आपने, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। ये रिव्यू सेटिंग में जाके रिलोकेट करने का ऑप्शन था। थैंक यू दोस्तों, आपका वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।